मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव की बयार बह रही है। यहाँ राजनीति अपने उफान पर है। यहाँ धर्म और राजनीति का कॉकटेल पुराना है, इसीलिए धर्म से राजनीति में घुसपैठ रखने वालों की कोई कमी नहीं। इन्हीं में से एक हैं महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर राकेश दुबे, जिन्होंने एक बार फिर से पूरे प्रदेश की सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि वो अपना प्रदेश छोड़कर लखनऊ पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, और ये चुनाव कहां से लड़ेंगे इस बात का भी सस्पेंस बाकी है। लेकिन माना जा रहा है और पूरी पूरी संभावना है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी से उन्हें टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि रेप के चार्जेस में जिस तरीके से बाबा फंसे और उसके बाद उन्होंने जेल काटी, माना जा रहा है वो अपना राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे थे, और जल्द ही वो वापस जाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की जिसमें लिखा कि एक शिष्टाचार भेंट महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा से हुई और जल्द ही वो एक खास सीट से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, पिछले साल अगस्त में मिर्ची बाबा के खिलाफ भोपाल में एक महिला ने थाने में रेप की FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि मिर्ची बाबा ने निशंतान महिला को झांसे में लेकर अपने आश्रम में उसके साथ रेप किया, उसके बाद धारा 376 के तहत गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि मिर्ची बाबा इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते रहे। जेल में उनके खिलाफ मारपीट और कैदियों ने बुरा बर्ताव भी किया था। आपको बता दें कि मिर्ची बाबा का असली नाम राकेश दुबे। मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिरखड़ी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम अवधेश प्रसाद था और ये पिता के तीसरे नंबर के बेटे थे। अयोध्या प्रसाद मालनपुर के मंदिर में पुजारी थे और इनके चार बेटे थे। साल 1997 तक राकेश दुबे एक आयल मिल में एक चक्की में मजदूरी करते थे। उसके बाद अपनी 4 बीघा जमीन बेचकर ट्रक खरीदा, लेकिन चला नहीं पाए और ट्रक बेचना पड़ा। इसके बाद राकेश दुबे भागकर गुजरात पहुंचे। गुजरात के अहमदाबाद में जाकर वहां एक फैक्ट्री में काम करने लगे। अहमदाबाद से ही उनकी संगत एक साधु के साथ हो गई। राकेश दुबे ने संन्यास ग्रहण कर लिया और नाम बदलकर वैराग्यानंद गिरी रख लिया, और इसी के बाद धीरे धीरे उनकी ख्याति बनती चली गई। स्वामी वैराग्यानंद गिरी के अपने भक्तों को मिर्ची की धुनी देने के कारण लोग धीरे धीरे उन्हें मिर्ची बाबा कहने लगे। अलग अलग जगह घूमकर भागवत कथा करने के दौरान मिर्ची बाबा के संपर्क में तमाम कांग्रेस के नेता आए। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी उनके संपर्क में आए। यही से वो बाबा हाई प्रोफाइल साधु बन गए। जानकारों के मुताबिक उनकी दिग्विजय सिंह से बेहद करीबी है। दिग्विजय सिंह ने ही मिर्ची बाबा को भोपाल की मिनाल रेजिडेंसी में लग्जरी बंगला दिलाया था। यहां से मिर्ची बाबा का जलवा ऐसा बढ़ा कि साल 2018 में पिता के निधन के बाद उनके घर में और उनके गांव में हजारों लोग जुड़े थे। इस तिरही भोज में उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता और सरकार के कई मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस पार्टी ने खूब उन्हें पाला पोसा और खूब बढ़ाया। मिर्ची बाबा को एक निगम का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा तक दे दिया गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा फंस गए। दरअसल उन्होंने लोकसभा की सीट जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और हर चुनाव की सभा में वो जाकर दिग्विजय सिंह की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रज्ञा ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा और उनकी भविष्यवाणी झूठी निकल गई। दिग्विजय सिंह की जीत की भविष्यवाणी करते समय मिर्ची बाबा ने कहा था कि अगर दिग्गी राजा हार गए तो वो जल समाधि ले लेंगे, लेकिन दिग्विजय हार गए और उसके बाद मिर्ची बाबा को जल समाधि नहीं लेने के मुद्दे पर खूब मजाक झेलना पड़ा था। लेकिन अब रेप के आरोप के बाद वो छूट गए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की सियासत में उतरने को तैयार है। देखना है कि इस बाबा का अब आने वाले समय में क्या परिणाम निकलता है और उन्हें सफलता मिलती है या फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।